अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बावकत आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और मैं आप सबका मेज़बान हकीम तजम्मुल हसन आप सब अहबाब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप हजरात की खिदमत में एक बहुत शानदार नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज इंशाल्लाह आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, उन दो चीज़ों को आपने सिर्फ मिक्स करना है आपस में और इंशाल्लाह उसके बाद अपने अज़ू पर उसको लगाना है। लगाने के बाद जो ताकत का आप महसूस करोगे, जो ताकत का कमाल आप देखोगे, तो आप ख़ुद कहोगे कि हाँ भाई, हकीम तजम्मुल साहब ने एक ऐसा नुस्खा बताया था कि मुर्दल अज़ू को भी जान डालने वाला यह नुस्खा है। बड़ा शानदार नुस्खा इंशाल्लाह, खासकर उन हजरात के लिए जो हजरात लंबे मोटे अज़ू रखने के शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि बीवी उनके सामने घुटने टेक दे, हाथ जोड़ ले कि बस अब तो बाहर निकाल लो, जो अपनी बीवी से ताने सुन रहे हैं कि आपका तो बहुत छोटा है, बहुत ढीला है, फला है, ढिमकाना है, तो वो ज़रा सामने को आ जाए। इंशाल्लाह सिर्फ दो चीज़ें आपने घर में पड़ी उठानी है और इंशाल्लाह उसको अपने अज़ू पर इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ कि मैंने ख़ुद अपने मरीज़ों पर इसको लगवाया है, अप्लाई करवाया, इस्तेमाल करवाया, इंशाल्लाह तभी आप तक मैं इसको लेकर आया हूँ। तो वीडियो की तरफ आगाज़ करते हैं, लेकिन छोटी सी गुजारिश करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको बआसानी के साथ इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगाज़ करते हैं। इसमें आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले दो तरीके के तेल बाज़ार से लाने, लौंग का तेल और बीर बहुटी का तेल, ठीक है। दोनों तेलों को आपने पंसारी की दुकान से ले आना है। लाने के बाद इन दोनों को आपस में आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एक हथेली पर रात को सोते टाइम इस अज़ू पर इसकी मालिश करनी है, लेकिन करनी क्या है, इसमें आपने कोलगेट मिलाना है। कोलगेट आपने सफ़ेद वाला मिलाना है, जो सफ़ेद कोलगेट आता है, ठीक है। आपने करना क्या है, तेलों करीबन 10-10 बूंद दोनों तेलों की ले लीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, अपने हथेली पर ले लीजिए उसको। लेने के बाद आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी की मकदार में आपने जो कोलगेट है, सफ़ेद वाला कोलगेट, उसको अपनी हथेली पर लेना है और तेल के साथ उसको मिक्स कर देना है, अच्छी तरीके से उसका लेप सा बना लीजिएगा। लेप सा बनाने के बाद इसको अपने अज़ू पर आपने लगाना है इंशाल्लाह। लगाने के आपको कुछ ऐसा महसूस होगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा लगेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरीके से मालिश करनी है और उसके बाद सो जाना है। सुबह को उठोगे तो इंशाल्लाह गर्म पानी से अपने अज़ू को धो लेना है। ये आपने लगातार 40 दिन तक करना है इंशाल्लाह। आप ख़ुद देखोगे कि जिन भाइयों का 3-4 इंच लंबा अज़ू है, सिर्फ 40 दिन में उनका अज़ू भी इंशाल्लाह अंगारे उगलेगा। यकीन मानिए, करीबन 12-13 इंच की लंबाई वो पालेगा और इंशाल्लाह अपनी बीवी को आप आसानी के साथ मुतमईन कर सकोगे। तो ये था मेरा नुस्खा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, आपको समझ आएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।